आप फिट रह सकते हैं, लाजमी नहीं है कि माशाल्लाह हेल्दी हो जाए, मुंह बहुत बड़ा हो जाए। तो मुझे बताएं मैं कैसा लगा, इस लिहाज मुझे ड्रेसिंग सेंस आया नहीं है। आदम आप मेरी जो मर्जी कर ले, कोई मसला नहीं, पॉइंट भी मार रहे कोई नहीं। जी नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली रज़ा और आप देख रहे हैं FM गॉड वर्ल्ड। और आज मैं फिर दोबारा आ गया हूं NFC IT मुल्तान में। यहां पर मैं अब आपको विज़िट करा रहा हूं कि जो भी यहां पर नया डिपार्टमेंट बने हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग का डिपार्टमेंट बना है वहां पर, और उसके अलावा जो एडमिन न्यू बनाया है इन्होंने, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन इससे पहले अब जाते हैं हम फैशन डिज़ाइनिंग के HOD और उन सब के स्टूडेंट से मुलाकात करने कि वो यहाँ पर कैसे जो है सर्वाइव कर रहे हैं और स्पोर्ट्स वीक के लिहाज से उनके क्या तासुरात हैं। चले फिर चलते हैं। ये है जी वो जगह जो फैशन डिज़ाइनिंग के तौर पर यहाँ पर बनाई गई है और प्रॉपर यहाँ पर वर्किंग हो रही है। इवन ये अभी नया डिपार्टमेंट बना है और जिस तरह से इन्होंने इसको संभाला हुआ है, बहुत ही कमाल की जगह है। ये आपको सिलाई भी करवाते हैं यहाँ पर? हर किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाया जाता है, फैशन से रिलेटेड काम करवा देते हैं सारा। अभी कौन सा सेमेस्टर है आपका? सिक्स्थ। चले बेस्ट ऑफ लक। ये एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट डॉक्टर मलिक अख्तर अली कालरू ब्लॉक। स्पोर्ट्स वीक जिस तरह के स्टार्ट हो रहा है, इसका भी बोर्ड लगा हुआ है और इसके अकॉर्डिंगली जो है ये अभी गार्ड खड़े हुए हैं। तो मैं जो है जा रहा था रॉन्ग साइड पर, उन्होंने कहा भाईजान फुटपाथ पर आओ। या स्टूडेंट सर्विस सेंटर कैफेटेरिया अभी बाद में देखते हैं आकर। थैंक यू भाई यहाँ पर, और आप देख सकते हो तो मैं इतना ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ डॉक्टर सैयद महवेश सर, और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। कैसे हैं अभी आप सब, क्या हो रहा है? अभी जो स्पोर्ट्स वीक भी हो रहा है, स्पोर्ट्स वीक में ये भी शामिल है कि कलर, ये मैं कहता हूँ कि ये पहुँचे हुए लोग होते हैं जो इस तरह का फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। और यकीन करें मैंने तो कभी डिज़ाइन किया, मैंने कोई सॉफ्टवेयर भी सीखा अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैंने कहा इंस्टॉलेशन कर लेते हैं अगर ये काम नहीं करना। ये कब से आप लोग, कौन सा सेमेस्टर आप लोग? मोस्टली जो है ना लोग नॉर्मल भी फैशन कर लेते हैं, यानी कि अब देखें अगर फॉर एग्जांपल मैंने फैशन डिज़ाइनिंग नहीं की हुई, मुझे बताएं मैं कैसा लगा, इस लिहाज मुझे ड्रेसिंग सेंस आया नहीं है। आदम आप मेरी जो मर्जी कर ले, कोई मसला नहीं है, पॉइंट भी मार रहे कोई नहीं, खूबसूरत नहीं हूँ मैं, मुझे पता है। यानी कि नॉर्मल ठीक लग रहे थे हाँ बोले तो ये अच्छा, इसी वजह से मैं अभी तक सिंगल हूँ। लेकिन कोई नहीं, सो सैड। हाँ वैसे ये बात है, यूनिवर्सिटी में रहकर भी सिंगल और बाद में भी सिंगल, तो ये तो है। हाँ शादी के लिए बस ऑफर तो की है एक दो को, वो भी कह रही है अभी आप पैसे ज़्यादा डॉलर कमाओ फिर करेंगे। लेकिन ये बड़ा क्या, हाँ ये ऑप्शन है नहीं, मेरे अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे फॉलोअर्स है, एक आम बात नहीं है ये है। आपका क्या नाम है? राबिया। आपका? मैडम आपका? रमशा। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों से बात करके। और ये हैं जी तीनों स्टूडेंट्स, लेकिन ये जूनियर है मेरी, बहुत छोटी जूनियर है, मैं तो 2018 में पास आउट हो गया। अच्छा मैं अभी भी आया हूँ ना, मुझे कह रहे हैं आप चलो क्लास में, मैं आपको स्टूडेंट लगता हूँ वैसे अभी भी। अच्छा ये जो है ना, अगर आप जिम करते रहें या फिजिकली एक्टिविटीज़ करते रहें ना, तो आप फिट रह सकते हैं, लाजमी नहीं है कि माशाल्लाह हेल्दी हो जाए, मुंह बहुत बड़ा हो जाए, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा अंकल मैं यहाँ पर आया हूँ ना, जब यहाँ पर आया हूँ ना, आप तो फिर माशाल्लाह मुझे लग रहे हो गए स्टूडेंट, तो छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटियाँ छोटी, लिटरली मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूँ, इतनी इतनी सी हैं, इतनी इतनी सी। मैंने उनको कहा कि आप बच्चे किसके बाबा के साथ आइए, मैं परेशान हूँ कि आप क्या हो गया यहाँ के लोगों को कि छोटे छोटे। अच्छा फिर उसके बाद मैंने देखा बहुत बड़े बड़े, दरमियाना साइज कोई है ही नहीं। अब मैं आया हूँ, गार्ड मुझे कह रहे हैं बटे ओए पीछे जो, मैं हैरान हूँ, मैं कहा भाई मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अगर यहाँ पर पढ़ाता होता ना आज मैं टीचर होता यहाँ पर, MS किया हुआ होता, और जारी बात है फिर आप कह रहे थे सर पास कर दें, सर 20 नंबर से पास कर दें।
मैं कर देता, मेरा जो मेरे जो सब टीचर्स के साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ रही। फीमेल से बनाना तो ज़्यादा आसान है आपका होगा, हमारे मैम, हमारे पास काफ़ी मैम जैसी। हाँ ऑपोजिट कह सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट सेंडर्स में मेरी तो कभी नहीं बनी। अच्छा मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी अब किसी से नहीं बनी। अच्छा जी यार, ये था हमारा आज का सारा व्लॉग, और हमने देखा कि यहाँ पर कैसे जो है वो बच्चे काम कर रहे हैं, हमें इनके साथ किस तरह का फील हो रहा, यानी कि ऐसा लगा कि जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। और वो कहती है कि आप भी अभी भी स्टूडेंट ही लगते हैं, तो यार वैसे एक बात है कि मैं अभी भी हैंडसम हूँ, कोई ऐसा ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और जिस तरह अभी नमाज का टाइम हो रहा है जुम्मे का, तो फिर हम जो है वो वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप लोगों को जो है वो मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।